दोस्तों फाइनली आईपीएल 2020 का धमाकेदार टी20 मैच आरसीबी और केकेआर के बीच खत्म हो चुका है और इस मैच के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2020 में आज का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में फिलहाल किस पोजीशन पर मौजूद है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी चार टीमें प्ले ऑफ में पूरी तरीके से क्वालिफाई कर चुकी है। तो फ्रेंड्स ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम चैंपियन बने तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक अमेजिंग क्रिकेट वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है क्रिकेटपीडिया। यहां पर आप अमेजिंग तरीके से क्रिकेट का लाइव स्कोर जान सकते हो, उसके बाद सभी क्रिकेटर के स्टैट्स के बारे में और साथ ही साथ क्रिकेट मैच के अपकमिंग शेड्यूल के बारे में जान सकते हो। इसके लिए आपको ओनली सर्च बार में जाना होगा और वहां पर आप क्रिकेट रिलेटेड चीज के बारे में फाइंड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज का मैच आरआर और एसआरएच के बीच खेला जाएगा, तो यहां पर आप आरआर वर्सेस एसआरएच के हेड टू हेड स्टैट्स, उसके बाद डेविड वार्नर स्टीवन स्मिथ के स्टैट्स के बारे में जान सकते हो। तो ऑल ओवर ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे एक बार चेकआउट जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2020 में आज के लेटेस्ट पॉइंट टेबल के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आठवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है तीन बार की चैंपियन और इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जहां पर चेन्नई की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले हैं जिसमें तीन बार चेन्नई की टीम जीतने में सफल रही है, वही सात बार चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि इस तरीके से टोटल 10 में से तीन मैच जीत करके 6 अंकों के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में आठवें स्थान पर मौजूद है और यहां पर से सीएसके को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे सभी मैच जीतने पड़ेंगे और इसके साथ ही अदर टीम पर डिपेंड भी रहना पड़ेगा। और अब यहां पर पूरी तरीके से क्लियर भी हो चुका है कि चेन्नई की टीम लगभग लगभग प्लेऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो नेट रन रेट -0.463 है। उसके बाद बात कर लेते हैं सातवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर है डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद की टीम, जहां पर हैदराबाद की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 9 मैच खेले हैं जिसमें तीन बार हैदराबाद की टीम जीतने में सफल रही है और 6 बार हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 9 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ हैदराबाद की टीम पॉइंट टेबल में सातवें स्थान पर मौजूद है और यहां पर से हैदराबाद को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे सभी मैच जीतने पड़ेंगे। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो नेट रन रेट +0.008 है। उसके बाद बात कर लेते हैं छठवें पोजीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप भी आईपीएल 2020 के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं छठवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर है स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली और इसके साथ ही आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स की टीम, जहां पर राजस्थान की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले हैं जिसमें 4 बार आरआर की टीम जीतने में सफल रही है, वही 6 बार आरआर को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से 10 में से टोटल 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में छठवें स्थान पर मौजूद है और यहां पर से राजस्थान को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे सभी मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही राजस्थान की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो नेट रन रेट -0.59 है। उसके बाद बात कर लेते हैं पांचवें पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है केएल राहुल की कप्तानी वाली किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, जहां पर पंजाब की टीम ने पॉइंट टेबल में जबरदस्त वापसी की है और अभी तक पंजाब की टीम टोटल 10 मैच खेल चुकी है जिसमें 4 बार पंजाब को जीत मिली है, वही 6 बार पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 10 में से 4 मैच जीत करके 8 अंकों के साथ किंग्स इलेवन पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में पांचवें स्थान पर मौजूद है और इस टीम को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 4 में से 4 मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही केएक्सआईपी की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो नेट रन रेट -0.17 है। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पोजीशन के बारे में। तो यहां पर आ चुकी है इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली केकेआर की टीम, जहां पर अभी तक आईपीएल 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टोटल 10 मैच खेले हैं जिसमें 5 बार केकेआर की टीम जीतने में सफल रही है, वही 5 बार केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से केकेआर की टीम 10 में से टोटल 5 मैच जीत करके 10 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर मौजूद है और अगर केकेआर को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना है तो बाकी बचे 4 में से 3 मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही केकेआर की टीम
आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। तो आपको क्या लगता है केकेआर के लेटेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या केकेआर की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट फिलहाल -0.1 के आसपास है। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे पोजीशन के बारे में, तो यहां पर आ चुकी है 4 बार की चैंपियन और इसके साथ ही डिफेंडिंग चैंपियन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर मुंबई की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 9 मैच खेले हैं, जिसमें 6 बार रोहित शर्मा की टीम जीतने में सफल रही है, वही 3 बार मुंबई को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 9 में से 6 मैच जीत करके 12 अंकों के साथ मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर मौजूद है और इस टीम को यहां पर से प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 5 में से सिर्फ 2 मैच जीतने पड़ेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग यहां पर 110% मुंबई की टीम आसानी से आईपीएल 2020 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो नेट रन रेट फिलहाल +1.201 है, यानी कि अभी तक आईपीएल के पॉइंट टेबल में सबसे बेस्ट रन रेट जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम का ही है। उसके बाद बात कर लेते हैं टॉप 2 टीमों के बारे में, यानी कि पॉइंट टेबल के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में कि बॉटम पर कौन सी 2 टीमें मौजूद है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दूसरे पोजीशन के बारे में, तो यहां पर आ चुकी है विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, जहां पर आरसीबी की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले हैं और 10 में से 7 बार आरसीबी की टीम को जीत मिली है, वही 3 बार आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से टोटल 10 में से 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो फिलहाल नेट रन रेट प्लस में आ चुका है और इस टीम को यहां पर से प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 4 में से सिर्फ 1 मैच जीतने पड़ेंगे, उसके बाद आसानी से आरसीबी की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में किस स्थान पर एंड करने वाली है, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। और फ्रेंड्स, आज के एक शानदार टी20 मैच में आरसीबी की टीम ने केकेआर को आसानी से हरा दिया और इस जीत के बाद आरसीबी की टीम को पॉइंट टेबल में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ है, जहां पर माइनस से इनका नेट रन रेट जो है वो डायरेक्टली प्लस में आ चुका है और इसके साथ ही 2 पॉइंट मिलने से आरसीबी की टीम लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में, तो यहां पर है आईपीएल 2020 में अब तक की सबसे सफल टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली की टीम ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले हैं और 10 में से 7 बार दिल्ली को जीत मिली है, वहीं 3 बार दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है। तो इस तरीके से 10 में से टोटल 7 मैच जीत करके 14 अंकों के साथ दिल्ली की टीम पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर मौजूद है। और इस टीम के नेट रन रेट के बारे में बात करें तो फिलहाल नेट रन रेट +0.774 है और यहां पर से दिल्ली को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 4 में से सिर्फ 1 मैच जीतने पड़ेंगे। और यहां पर 110% चांस है कि दिल्ली की टीम आसानी से आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। तो आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो यहां पर पहली टीम रहेगी दिल्ली, दूसरी टीम आरसीबी, तीसरी मुंबई, वहीं चौथी रहने वाली है केकेआर या फिर केएक्सआईपी की टीम। तो आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दें। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि किस गेंदबाज ने अभी तक आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप के बारे में, यानी कि किस बल्लेबाज ने आईपीएल 2020 में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो इस लिस्ट में जो हमारे पहले नंबर के प्लेयर हैं वो है किंग्स इलेवन के पंजाब के कप्तान केएल राहुल, जहां पर केएल राहुल ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले हैं और इन 10 मैचों में 67.50 के औसत से टोटल 540 रन बना चुके हैं और इस तरीके से वह ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। उसके बाद दूसरे पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पर है शिखर धवन, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर हैं, और शिखर धवन ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले और इन 10 मैचों में 66 के शानदार औसत के साथ उन्होंने 465 रन बनाए हैं। उसके बाद तीसरे पोजीशन पर है मयंक अग्रवाल और चौथे पोजीशन पर कैप्टन विराट कोहली है। उसके बाद बात कर लेते हैं पर्पल कैप के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि किस गेंदबाज ने अभी तक आईपीएल 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर के प्लेयर हैं वो है मुंबई इंडियंस के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, जहां पर बुमराह ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 9 मैच खेले हैं और इन 9 मैचों में बुमराह ने टोटल 15 विकेट लिए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पोजीशन के बारे में, तो यहां पर है किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य तेज गेंदबाज यानी कि मोहम्मद शमी ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले हैं और इन 10 मैचों में शमी ने टोटल 16 विकेट लिए हैं और इस तरीके से वह पर्पल कैप की रेस में दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पहले पोजीशन के बारे में, तो यहां पर है दिल्ली
कैपिटल्स के मुख्य तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा, जहां पर रबाडा ने अभी तक आईपीएल 2020 में टोटल 10 मैच खेले और इन 10 मैचों में रबाडा ने 21 विकेट लिए हैं और इस तरीके से वह ऑरेंज पर्पल कैप की रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स सही आईपीएल 2020 में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में मैंने आपको आईपीएल 2020 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताया है और इसके साथ ही पर्पल कैप और ऑरेंज कैप का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले और साथ ही साथ क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।